सोहे स्वागत है आपका स्टडी टुगेदर चैनल पे। तो आज हम आए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का क्लास 7 चैप्टर 7 मार्केट्स लेकर। तो आपको पहले के वीडियोस में जैसे बताया था, अगर आप रेगुलर वीडियोस चैनल पे आप विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि बताया था जैसे कि पैरेलल वीडियो आपके लिए अवेलेबल होते जाएंगे, उसी तरह आपके लिए क्लास 6 क्लास 7 का वीडियो विथ क्लास 10 का साथ साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप भी हमको सपोर्ट करें जिससे हम भी थोड़ा ग्रो करें और हम भी मोटिवेट हों, ठीक। तो आइए हमारा शुरुआत करते हैं चैप्टर मार्केट्स। तो बेसिकली मार्केट होता क्या है आप भी जानते हैं। मार्केट थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ तो मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ हर कुछ अवेलेबल है, चीपर रेट में भी और एक्सपेंसिव में भी, मतलब कि जो सबसे कम दाम में भी सामान अवेलेबल है और सबसे महंगे दाम में भी सामान अवेलेबल है मार्केट में, मतलब वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो आप भी ये चीज़ जानते हैं। तो मार्केट एक वीकली मार्केट होता है जो कि हम देखेंगे। मार्केट वीकली भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, ठीक है। कोई मार्केट रेगुलर बैठते हैं थ्रू आउट द मंथ, ईयर, डिकेड, जितना आप बोलने बैठते हैं वो मार्केट, और कुछ मार्केट होते हैं वीकली बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक मार्केट है वीकली मार्केट, तो इसको आज हम देखेंगे। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है वीकली मतलब कि हफ्ता, हफ्ता में जो एक बार मार्केट बैठता है उस मार्केट को क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट चालू करते हैं हमारा टॉपिक। मार्केट इज कॉल्ड एज वीकली मार्केट बिकॉज इट ओनली हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक, ठीक है। वीक का कोई भी एक स्पेसिफिक डे पे होता है, ठीक है। आप सुने होंगे मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार, ये सब क्या है, बुधवार के दिन, मतलब वेडनेसडे के दिन जो मार्केट बैठे उसको बुधवार बाजार बोलते हैं, ठीक है। जो कोई ट्यूजडे के दिन, मंगलवार के दिन बैठे तो उसको क्या बोलते हैं, मंगलवार बाजार बोलते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा आपको वीकली मार्केट, आप इससे भी फेमिलियर हैं, ठीक है। वीकली मार्केट्स आर नॉट परमानेंट मार्केट, दे आर टेम्पररी मार्केट। ये भी आपको पता है कि वीकली मार्केट जो है वो परमानेंट नहीं होते, वो हरदम के लिए वहाँ बैठे नहीं रहते, वो सिर्फ टेम्पररी होते हैं। सिर्फ मतलब कि महीना, हफ्ता में सिर्फ एक ही बार, और महीना में जितने हफ्ते में दिन उनका फिक्स है, चार बार पांच बार महीना में वो बैठते हैं, ठीक है। वीकली मार्केट्स डोंट हैव टू पे रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन कंपैरिजन टू डेली मार्केट। तो डेली मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट, एक दुकान है सपोज, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कि मोबाइल टीवी दोनों बिक्री करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक अपना दुकान बना लेता है, एक दुकान उसका अपना बना लेता है, और वो दुकान में हरदम के लिए रहता है, उसी के अंदर सेल करेगा, सब करेगा। तो उसके कारण क्या होता है, उसको ना उस जगह में, उस बगल से कोई जगह से अगर बिजली आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी आया होगा, उसका भी उसको पे करना पड़ता है। अगर वो उसका खुद का दुकान है, ठीक है, तो उसको रेंट नहीं लगेगा। अगर वो भाड़े का दुकान में कर रहा है तो मतलब उसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा डिफरेंस। और वीकली मार्केट वालों के साथ क्या होता है, एक फील्ड या फिर एक कोई सा खुला जगह को वो लोग चूज कर लेते हैं और उसी जगह पे वो लोग बैठ करके अपना सामान बिक्री करते हैं, सब्जी हो, सामान हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। वीकली मार्केट वालों को रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना पड़ता, और बहुत कुछ है पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर डेली मार्केट वाले हैं तो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। थिंग्स आर अवेलेबल इन चीपर कॉस्ट इन डेली मार्केट। अगर आप कंपेयर करें वीकली मार्केट और डेली मार्केट को, ठीक है, तो वीकली मार्केट में क्या होता है, जो सामान है वो बहुत ही सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, ठीक है। लेकिन डेली मार्केट में सस्ते भी मिलेंगे और आपको महंगे भी सामान मिलेंगे, ठीक है। वीकली मार्केट्स में क्या होता है ना, जो गांव, मतलब अगर मैं सब्जी वीकली मार्केट का बात करूँ, अगर सब्जी का, तो सिर्फ कोई किसान घर के ही आकर के वहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि वो कम दाम में ही आकर के सब्जी बिक्री करते हैं मार्केट रेट के अनुसार, लेकिन डेली मार्केट में वो अपना ही रेट चलाते हैं उनके अनुसार, ठीक है। और उनका जो सामान होता है डेली मार्केट का थोड़ा महंगा होता है इस कंपैरिजन टू वीकली मार्केट। कुछ ये भी हो सकता है कि कहीं पे डेली मार्केट सस्ता हो और वीकली मार्केट महंगा हो, ये कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको सेंस दे रहा हूँ, ठीक है। शॉप्स इन आवर नेबरहुड, तो नेबरहुड मतलब पड़ोस में, आपके घर के आसपास में कहीं होगा एक राशन दुकान या फिर कोई सामान का दुकान जरूर होगा। तो वो शॉप क्या होता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, उसका जब तक मन किया वो खोलेगा और जब मन नहीं किया वो बंद करके महीनों महीनों तक के लिए छोड़ देगा। वो टेम्पररी भी होते हैं, वो परमानेंट भी होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो देखते हैं शॉप्स हमारे नेबरहुड में।
नेवरहुड सॉरी शॉप्स आर ऑल्सो इन आवर नेवरहुड रेदर देन वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट के अलावा हमारे घर के पड़ोस में कुछ शॉप भी होते हैं। हर बात के लिए आप वीकली मार्केट नहीं जाएंगे, कुछ बगल के लिए भी चाहिए, छोटा सामान चाहिए तो आप ले सकते हैं शॉप से। शॉप इन नेवरहुड में भी परमानेंट और टेम्प्ररी। तो जो शॉप है जैसे मैं आपको बताया नेवरहुड में, वो टेम्प्ररी भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है। दीज शॉप्स ओपन ऑल द डेज ऑफ द वीक्स। तो इनका कोई वीक में ऐसे स्पेसिफिक डे नहीं होता है कि इसी दिन ये शॉप खुलेगा। तो ये शॉप क्या होता है, थ्रू आउट द वीक खुले रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द वीक थ्रू आउट द ईयर। अगर उनका का अगर मन है तो खोलेंगे, नहीं है तो फिर वो नहीं खोलेंगे। लेकिन वीकली मार्केट एक ही हफ्ता का, एक ही कोई स्पेसिफिक दिन में होता है, उसके कारण वो उसी दिन खुलता है। पीपल ब्रिंग देयर नीड एंड पेज फॉर इट आफ्टर सम टाइम। तो जैसे आप जानते होंगे उधारी खाता, उधारी जो लेते हैं, तो वैसे ही बता रहा है ये पॉइंट कि पीपल जो है, जो आदमी जो जा करके खरीदते हैं उनके दुकान से सामान, शॉप से, जो पड़ोस का शॉप है नेबरहुड का, उस पर क्या करते हैं, उधारी चलाते हैं, ठीक है, उससे सामान ले आते हैं और बोलते हैं कि बाद में तुमको पैसा देंगे। तो इसी तरह शॉप इन नेबरहुड हमारा हो गया और वीकली मार्केट हो गया। चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोगों ने देखा दो टॉपिक, वीकली मार्केट का और एक शॉप इन नेबरहुड का। तो वीकली मार्केट हफ्ता का एक दिन, और शॉप वाला जो था नेबरहुड का वो घर के बगल का शॉप। तो अभी हम देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है और मॉल क्या होता है, बस उसमें कन्फ्यूज़न है आपको, तो आज जो कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मेनी शॉप्स आर इन वन प्लेस कॉल्ड एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे दुकान एक ही जगह में, और वैरायटी ऑफ दुकान है, सिर्फ एक ही जैसा नहीं, मोबाइल का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के सब कुछ का आपका दुकान है अंदर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, सबके अलग अलग ऑनर हैं तो बोलेंगे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। और उसी जगह जो मॉल है वो मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर बिल्डिंग जो होते हैं, जिसके अंदर में सामान बिक्री होता है, उसका सिर्फ एक ही ओनर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉल्स। एक ओनर मतलब प्राइवेटली ओन रहता है, लेकिन वो हो सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल भी हो, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने दुकान होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में उतने ओनर होते हैं, और मॉल में सिर्फ एक या दो ओनर या फिर ग्रुप ऑफ ओनर हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपका, कंफ्यूजन भी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव मल्टीपल शॉप्स विद सेल्स अदर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आपको बताया, ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसके साथ मॉल भी क्लियर कर दूंगा मैं आपका। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर में अलग 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 प्रोडक्ट भी बिक्री करते हैं, वो भी अलग अलग आदमी लोग, जैसे बताया, ये पॉइंट भी वही बता रहा। और मॉल जो है आपका, मॉल में वो क्या बोलते हैं, उनके एम्प्लॉई होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं कि ये सामान ये है, वो सामान वो है, वो सब मदद करते हैं उनको, ठीक है। चेन ऑफ मार्केट्स, तो मार्केट का भी चेन होता है, किसी भी चीज़ को अगर अच्छा से रन करना है ना, तो उसका एक चेन होता है। तो मार्केट का कैसा चेन है, तो देखिए ऐसे समझिए, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से क्या हुए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए, क्या हुए, मैन्युफैक्चर हुए, वहाँ से क्या होगा, अब प्रोडक्ट बढ़ेगा और जाएगा होलसेलर के पास, ठीक है। होलसेलर क्या करते हैं, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके पास, कुछ ट्रेडर्स के पास, ठीक है। फिर वो कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास बिक्री कर देते हैं। मैं आपको सारा टर्म का मतलब बताऊंगा, और फिर उसके बाद कंज्यूमर आते हैं। तो विजिबल है शायद मेरे ख्याल से आपको, जी चलिए, तब तो अच्छा। और फैक्ट्रीज से निकलने के बाद क्या होता है, वो होलसेलर तक पहुँचता है, ठीक है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, फिर होलसेलर के पास पहुंचा। होलसेलर वो होता है जो कि ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो ट्रेडर क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर मतलब कि ये नहीं सोच लीजिएगा आपके कोई अलग अलग काम करते हैं, उनको भी पकड़ा दिया जाता है, वो लोग पहुंचा देते हैं, ये नहीं। ट्रेडर एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ वो प्रोडक्ट को ले करके, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर के होलसेलर तक पहुंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के बाद फिर रिटेलर्स, जो दुकानदार हैं हमारे आसपास में उन तक, फिर वो रिटेलर्स के थ्रू हम तक पहुंच जाता है, कंज्यूमर, हम जो यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। तो चेन ऑफ मार्केट्स कैसा होता है, इसमें भी वही चीज़ बताया है, लेकिन मैं आपको चाह रहा था पहले इसमें से ऐसे समझा दूँ। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज आफ्टर दे बॉट बाय होलसेलर,
गुड जो प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में, फिर उसके बाद आफ्टर दे ब्रॉड बाय होलसेलर, उसके बाद कौन ले आता है उनको, होलसेलर ले आता है। फिर उसके बाद होलसेलर क्या करता है, सप्लाई करता है वो गुड्स को ट्रेडर के पास, और ट्रेडर से फिर कहाँ आता है वो रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से चेन ऑफ मार्केट्स। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट्स एवरीवेयर। तो हर जगह मार्केट है आज के डेट में, ये ऐसा एरा चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ हर जगह मार्केट है। ठीक है, मार्केट मतलब मोबाइल में भी मार्केट है, कंप्यूटर में भी मार्केट है, हर जगह आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से भी आप मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेंट मार्केट ऑल द टाइम, वन कैन ईजिली ऑर्डर फ्रॉम देयर मोबाइल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट हरदम जाना पड़े, आपको कुछ भी चीज़ लाना हो तो आपको मार्केट जाना पड़े। ठीक है, तो आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू आप सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दूं तो आप अच्छा से समझेंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब। ठीक है, आपको मोबाइल लेने, आप कभी मोबाइल लेते हैं या फिर कभी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कपड़ा कुछ भी खरीदते हैं आप वहाँ से, तो आपको ग्रॉसरी भी, घर का भी सामान भी आपको लेना पड़ता है, तो आप अमेजन के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगा लेते हो, तो वो घर बैठे हो जाता है। वो बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपको समझाने के लिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। बाइंग एंड सेलिंग बोथ हैपेंस इन डिफरेंट वेज। तो देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। जो बाय किया वो कंज्यूमर, जो सेल किया वो दुकानदार या रिटेलर, आप इंग्लिश में बोल लें। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग दो बहुत तरीका से हो सकते हैं। ठीक है, ये दो जो चीज़ है बाइंग और सेलिंग, वो कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये दो तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, डोर टू डोर आ करके भी बिक्री होता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा मार्केट्स एवरीवेयर का आपको कॉन्सेप्ट। मार्केट्स एंड इक्वलिटी, क्या मार्केट में जो जो सारे ट्रेडर्स या फिर रिटेलर्स बिक्री कर रहे हैं उनको इक्वलिटी मिलता है? ये आपके दिमाग में आता होगा कि सबका कमाई एक जैसा है, और बहुत जन को पता भी होगा ये बात कि सबका कमाई एक जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ बड़े दुकानदार होते हैं उनका कमाई बड़ा होता है, और कुछ छोटे दुकानदार होते हैं उनका कमाई छोटा होता है। ठीक है, दो टाइप के ट्रेडर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, पहला स्मॉल ट्रेडर्स, दूसरा बिग ट्रेडर्स। विजिबल है आपको शायद, जी विजिबल है आपको। तो पहला होते हैं स्मॉल ट्रेडर्स, दूसरा होते हैं बिग ट्रेडर्स। तो स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं उनका टेम्प्ररी शॉप होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, टेम्प्ररी शॉप होता है विथ लो इनकम, बहुत छोटा इनकम होता है उनका, इतना होता है कि हैंड टू माउथ इनकम कर लेते हैं, मतलब कि खाने भर वो इनकम कर लेते हैं। ठीक है, और बिग ट्रेडर्स जो होते हैं उनका परमानेंट शॉप होता है। ठीक है, उनका परमानेंट शॉप होता है और उनका हाई इनकम होता है। ठीक है, मार्केट्स जो है वो जरूरी नहीं है कि मार्केट में सबको इक्वलिटी प्रोवाइड हो, या फिर मार्केट सबको इक्वली ट्रीट करे, या कस्टमर के बेसिस पे डिपेंड होता है कि कस्टमर जिनका कैसा है और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं अपने दुकान में। आप कई दुकान वालों को बोलते हुए सुने होंगे कि मैं ये सामान नहीं लाऊंगा क्योंकि यहाँ ये चीज़ सेल होता ही नहीं है, तो वो उसका एक पार्ट, उसका एक नमूना एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, तो सम पीपल हैव टू बाय चीपेस्ट थिंग एंड सम इन शॉपिंग हॉल्स। सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि बड़ा ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स में डिफरेंस है। सबसे बड़ा उसका रीज़न है कि कुछ पीपल जाते हैं सस्ता सामान खरीदने, वो जो कि मिल जाता है स्मॉल ट्रेडर्स के पास। ठीक है, और कुछ सामान है जो कोई कोई कस्टमर होते हैं जिनके पास अच्छा एक्सचेंज पावर होता है, मतलब मनी होता है, तो वो क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल जा करके खरीदते हैं। ठीक है, वो जो शॉपिंग मॉल वाला है एक तो बिग ट्रेडर्स होता है, और जो छोटा दुकान लगाता है उसको बोलते हैं, बोल सकते हैं हम स्मॉल ट्रेडर्स, समझने के लिए। ठीक है, मार्केट्स डू नॉट प्रोवाइड इक्वलिटी टू ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के कारण मार्केट क्या होता है, वो इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो मैं बताया जैसे मार्केट डिपेंड है ऑल ऑन कस्टमर, कस्टमर जैसा क्वालिटी खोजेंगे उस हिसाब से ट्रेडर्स का भी इनकम और उनका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर मार्केट इसी के साथ यहीं ख़त्म होता है। मेरे को लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।